आ जा चले हम लोग। हाँ तो क्या करना है क्या करना है क्या करना है क्या करना है, तो भाग दे रहे, किसे भाग देंगे, इधर देखो जी बस है, दोनों पोछ में लगा लेंगे पानी तो हो जाएगा, बन जाएगा। एक्स के मान 4 बा, वाई के मान 6 बा, तो दिया भी गया था ना जी, 3x बटा में 12, 2y बटा में 12, 12 बटा 12 में 12, काटो 3 से कट गया 4 बार में और 2 से कट गया 6 बार में, 12 से 12 कितना आया था, हाँ वाई के मान 6 आता है, अच्छा जी एक सच में कटा अंतःखंड, ये कोने का नहीं मानेंगे, खाली एक्स और वाई के नीचे देखना है बस, इसमें क्या करोगे 6 से भाग दो, देखो इधर बराबर के बाद 6 से इसमें 6 से इसमें 6 से इसमें, दो बार में कर गए तीन बार में, ठीक है कब है ठीक बा, अब डायरेक्ट है तुलना कर दे तीसरा का, ऐसे ही दिया है ना, हो जाएगा तो ये 2 के नीचे कर दो, तो x बटा 3 बटा 2 आई प्लस करके माइनस, माइनस में नीचे कर दीजिए y बटा माइनस 2 बराबर 1, तो x अक्ष पर काटा अंतःखंड का मान इतना हो जाए, y अक्ष पर काटा अंतःखंड का मान माइनस 2, ये भी ध्यान रखना, अगर ये माइनस 1 हो तो माइनस यानी कह के प्लस का काल करो, समझ रहे बात, जो काला का मतलब ये बात है, तो जैसे डायरेक्ट है माइनस ना लिख सकते जरा कहां, और जब प्लस बा है जा, हां तो मान सूत्र में प्लस से होता है इसीलिए हम कह रहे थे, अच्छा यहां प्लस दिखा करके माइनस लिख सकते हैं, क्या है क्या, कुछ नहीं है, 3 वाई बराबर माइनस 2, तो दोनों पक्षों में माइनस 2 से भाग दिया जाएगा, रूल है क्योंकि ये प्लस एक होना चाहिए, 2 से देखो तो माइनस एक हो जाना ना, कहे तू तो भाई अक्षर पद बना है, अक्षर पद के बराबर के बाद करना है तुम लोग, वाई थोड़े अगर वाई होता तो 0 से भाग, अक्षर पद है ना बराबर की बात करो तब भाग दो, दिमाग लगा चलो, आई कट गया आई नहीं कटेगा ना, ध्यान बनी वाई माइनस 2 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड का मान बताओ 0, काहे के मैं एक्स वाले ही नहीं, वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड का मान माइनस 2 बटा 3 बन गया, बाकी का नोट कर, बाकी कल पढ़ेंगे, पढ़ाए देखा क्या, अच्छा जी क्यों पढ़ोगे।